दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में हुए बदलाव। दूसरे टेस्ट में इन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगे कप्तान रोहित। इन मैच विनर धुरंधरों की हुई टीम में एंट्री, घबराई कंगारू टीम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कल 17 फरवरी से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कुछ कड़े फैसले लेते हुए प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए उतरेंगे। भारत की धरती पर रोहित शर्मा बेहद खतरनाक साबित होते हैं। नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ते हुए 120 रनों की पारी खेली थी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने का भी दम रखते हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे टेस्ट मैच में काल बन जाएगी। कप्तान रोहित शर्मा केएल राहुल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हैं। केएल राहुल नागपुर टेस्ट मैच की पहली पारी में सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसके बाद टीम इंडिया में उनकी जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा होगा टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को उतारा जाएगा। नंबर 4 पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली उतरेंगे। नंबर 5 पर इनफॉर्म बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को उतारा जाएगा। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 से ईशान किशन को कुर्बान कर देंगे। नंबर 6 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं, जो गेंद के साथ साथ बल्ले से भी टीम इंडिया को मजबूती देंगे। नंबर 7 पर स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के एस भरत उतरेंगे। भारत की स्पिनरों के अनुकूल पिचों पर कीपिंग करने के लिए टीम इंडिया को के एस भरत जैसे माहिर विकेट कीपर की जरूरत है। ऐसा होगा स्पिन डिपार्टमेंट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन दोनों को ही शामिल कर सकते हैं। अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन गेंद के साथ साथ बल्ले से भी टीम इंडिया को मजबूती देंगे। अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन के साथ जब रविंद्र जडेजा भी स्पिन गेंदबाजी करेंगे तो ये तीनों ही घातक स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया की टीम को तहस नहस कर देंगे। कप्तान रोहित शर्मा ऐसे में प्लेइंग 11 से चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव को कुर्बान कर सकते हैं। ये होंगे 30 गेंदबाज। कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को बतौर तेज गेंदबाज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह देंगे। ऐसे में प्लेइंग 11 से फिर उमेश यादव को बाहर बैठना होगा। अब देखना होगा कि ये 11 खिलाड़ी दूसरे टेस्ट मैच में कैसा खेल दिखाते हैं। आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।